Let's check the latest news update with Vipul Goyal. फ्रेंड्स फॉर टीवी के हिंदी साप्ताहिक समाचार में फिर एक बार आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हिंदुस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से नई खबरें। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तानी खबरों से। लोकसभा सरकार बन चुकी है, मोदी सरकार की सरकार आ चुकी है और मोदी सरकार अपने जिस एजेंडा पे सरकार लाई थी उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तीन तलाक। तीन तलाक का जो विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में नया बिल पेश। सरकार ने कहा जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। तो एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमें सरकार जो बनाई है जनता ने चुना है, कानून बनाने के लिए चुना है, और तीन तलाक का जो उन्होंने पेश किया है बिल उस पर बातचीत हो रही है। नया विधेयक फरवरी में तीन तलाक को लेकर पेश हुए अध्यादेश का स्थान लेगा। फरवरी में लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पेश किए जाते हैं वो राज्यसभा में लंबित रहते हैं, वे लोकसभा भंग होने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नई दिल्ली तीन तलाक पर प्रतिबंध के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को हंगामे के बीच नया विधेयक लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस, EIMIM समेत विपक्ष दलों ने बिल को पेश करने का विरोध किया। इसके बाद पेपर लिस्ट के से वोटिंग कराई गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि तीन तलाक बिल मुस्लिम परिवारों के खिलाफ है, हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। एक समुदाय के बजाय सभी के लिए कानून बनना चाहिए। सरकार ने कहा कि कांग्रेस का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विधेयक पर सोमवार को चर्चा होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में बिल पास हुआ था, राज्यसभा में बिल पेंडिंग था लेकिन लोकसभा भंग होने के चलते बिल खत्म हो गया, लिहाजा नया बिल लेकर आए हैं। नए बिल में सुधार के लिए बदलाव किया गया है। जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। भारत का अपना एक संविधान है। किसी भी खवातीन को तलाक 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 बोलकर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा बिल जो लोकसभा में दोबारा पेश किया गया है और फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तलाक 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 कह के अब आप अपना छुटकारा नहीं पाएंगे। दूसरी खबर, एयरक्राफ्ट डील। CBI ने वायुसेना रक्षा मंत्रालय के अफसरों और हथियार डीलर भंडारी के खिलाफ दर्ज किया मामला। जांच एजेंसी ने कहा 2019 में पिलाटस एयरक्राफ्ट की सरकारी खरीद में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ। स्विट्जरलैंड की इस कंपनी पर डील में अनियमितता और 339 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप। नई दिल्ली CBI ने शनिवार को वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों समेत विवादित हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक 2019 में 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की सरकारी खरीद में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ। CBI ने इस मामले में भंडारी के घर और दफ्तर की छानबीन भी की। पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड स्विट्जरलैंड की कंपनी है। CBI ने कंपनी को डील के दौरान अनियमितताओं और 339 करोड़ रुपए का बतौर रिश्वत देने का मामला भी आरोपित किया है। मार्च में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन खरीदारी के मामले में वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के नाम सामने आया था। UPA के वक्त हुई पेट्रोलियम डील रक्षा सौदे में भंडारी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय और CBI जैसी एजेंसियां कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2015 के बीच भंडारी ने राफेल का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए लॉबिंग की थी। तो ये एक खबर थी कि किस प्रकार BJP सरकार जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ अपने मामले दर्ज कर रही है और एक्शन ले रही है। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे PM मोदी, होगी अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट से पहले शनिवार को अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे। PM मोदी की ये मुलाकात शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। बता दें कि 5 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट पेश करना है। बजट से पहले PM मोदी की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट से पहले
अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 22 जून शनिवार को होगी। बजट से पहले पीएम मोदी की यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुलाकात 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। 5 जुलाई को केंद्र के मोदी सरकार ने आम बजट पेश करना है, इसके रहते ये एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश में आम बजट सदन में पेश करने वाली हैं। इससे पहले वह अलग अलग संगठनों और अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। इसी के तहत निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक विकास में राज्यों का सहयोग मांगा है। वहीं बजट से पहले और नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पहली GST काउंसिल की बैठक की। इस बैठक के जरिए कारोबारियों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। कारोबारियों को अब GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कागजी कार्रवाई में राहत देते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया, मुख्य बदलावों में हमने एक GST पंजीकरण को आसान बनाया है। पहले की व्यवस्था में लोगों को विभिन्न दस्तावेज जमा कराने होते थे, अब हमने आधार कार्ड पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आधार का इस्तेमाल करने वाले से कारोबार पे कई फायदे होंगे। बंगाल में हिंसा फिर भड़की, सड़क पर उतरेगी BJP, कोलकाता में निकालेगी मार्च। बंगाल में हुई हिंसा पर फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। भटपारा हिंसा के खिलाफ BJP ने दोपहर 2 बजे कोलकाता में मार्च निकालेगी। साथ में बैरकपुर से BJP सांसद अर्जुन सिंह भटपारा हिंसा इसके अलगाव BJP के एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के कल यानी शनिवार को भटपारा का दौरा कर सकते हैं। तो BJP का एक केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो भटपारा जा रहा है और दौरा कर सकता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल रॉय, महिला मोर्चा अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी भी शामिल होंगे। फिलहाल ये सभी लोग योग दिवस के कारण दिल्ली में हैं। बंगाल में हुई हिंसा फिर एक सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तो BJP ने एक जो अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया है वो अब वहाँ जा रहा है, जो योग दिवस पे है था, अब वहाँ जाके कार्रवाई करी जाएगी। बंगाल में BJP और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी झड़प का दौरा जारी है। यह बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 परगना में गुरुवार को 2 गुटों में फायरिंग और बमबाजी से में नाबालिग लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाटपार थाना क्षेत्र के कानिकरा बाजार में उपद्रवियों ने गोलियां चलाई और बम फेंके। इस झड़प में नाबालिग की मौत और कुछ घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया हिंसा में मारे गए नाबालिग का नाम राम बाबू शाह है और उसकी उम्र 17 साल है। हिंसा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को भगाया है। एक खबर चमकी बुखार जो कि बिहार में चल रहा है। चमकी बुखार के मरने से संख्या हुई 135, 8 नई एम्बुलेंस चलाने का फैसला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 16 वरिष्ठ जिला अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को निगरानी और मामलों में जल्द पहचान करने और उनकी दैनिक रिपोर्ट भेजने के लिए संवेदनशील ब्लॉकों में भेजा गया। बिहार में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के अन्य जिलों में चमकी बुखार के बढ़ते हुए मामलों को उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रभावित जिलों में 8 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गंभीर रोगियों को लाने ले जाने के लिए 8 अतिरिक्त उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर दी गई हैं। 10 बाल रोग विशेषज्ञों और 5 पैरामेडिक्स को केंद्रीय टीमों को मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया गया है और इन टीमों ने राज्य सरकार के साथ तालमेल करते हुए काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 16 वरिष्ठ जिला अधिकारियों और चिकित्साकर्मियों को निगरानी और मामलों को जल्द पहचान करने के लिए तथा उनकी दैनिक रिपोर्ट भेजने के लिए संवेदनशील ब्लॉकों में भेज दिया गया है।
बड़ी खबर, इमरान खान की चिट्ठी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, बोला आतंकवाद को छोड़ोगे तभी बात बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री एफएम कुरैशी के बधाई संदेश का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके विदेश मंत्री एफएम कुरैशी को बधाई संदेश का जवाब दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखी अपनी चिट्ठी में आतंकवाद के माहौल का जिक्र कहा। उन्होंने कहा, दोनों के बीच एक अनुकूल वातावरण बनाने पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो आतंक का रास्ता छोड़ने के बाद ही संभव है। हालांकि इमरान खान को भेजे गए पत्र में आतंक मुक्त माहौल का जिक्र है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच बातचीत कब शुरू होगी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है, क्षेत्र में विकास के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है, भारत के लिए प्राथमिकता हमेशा जनता का विकास रहा है, पाकिस्तान लगातार भारत के बातचीत को पेश कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। भारत का कहना है, जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की कार्रवाई नहीं करी जाती बंद, तब तक बातचीत नहीं करी जाएगी। पिछले दिनों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून को आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पीएम मोदी और इमरान खान की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने एससीओ समिट से इतर एक दूसरे का अभिवादन किया था। यह अभिवादन सामान्य प्रकृति का था और उस वक्त हुआ था जब दोनों लीडर्स लाउंज में थे। फरवरी में पुलवामा से सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई थी। इस घटना के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच यह पहला अभिवादन था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को बिल्कुल स्ट्रेट जवाब लिखा है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है, आतंकवाद बंद करोगे तो कोई बातचीत होगी, नहीं तो बातचीत का कोई स्टैंड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की खबरों में, NSW गवर्नमेंट ने $93 बिलियन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करने को कहा है। तो NSW विल स्पेंड द रिकॉर्ड $93 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो ग्लैडिस हैं, जो यहाँ पर जो ग्लैडिस NSW को फॉलो करती हैं, उन्होंने NSW ट्रेजर के साथ ये बताया कि 93 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जाएंगे, लेकिन ये भी बताया गया है इसमें कुछ लूप होल है, इसमें फेडरल की फंडिंग आनी जरूरी है जिससे कि $93 बिलियन लगाए जा सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया, स्कॉट मॉरिसन एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। स्कॉट मॉरिसन एक इंसान है जो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, और उनका जीतने का कारण यही है कि वो पीपल पर्सन है। वो जब भी कहीं जाते हैं आम जनता के साथ ऐसा घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो कैसे घुल मिल गए हैं। और लेबर के लिए यही एक बात जो है वो बिल शॉर्टन के साथ नहीं थी, वो बताया जाता है कि स्कॉट मॉरिसन ज़्यादा पीपल पर्सन है और वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और तीसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर जगह टेम्परेचर डाउन है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो सभी से निवेदन है कि अपने को गर्म बनाए रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपना ध्यान रखें। और अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा देते हैं और आपके सुखद सप्ताह के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।